फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, और फ्रेंड्स आप पहले बार अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सामने एक क्वेश्चन आते हैं कि मैं ब्लॉगर चूज करूँ या वर्डप्रेस चूज करूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि सर मैं ब्लॉगर चूज करूँ या वर्डप्रेस चूज करूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पहले बार आप कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा, पहले मैं हर वक्त रिकमेंड करता हूँ और मैं अभी भी करूँगा कि आप पहले ब्लॉगर चूज करिए, और उसके बाद आप जब भी आपका ब्लॉगिंग के बारे में आप जान जाएंगे, जब भी आपका पता चल जाएगा कि एसईओ कट से कैसे करना है, यहाँ पे इवन आपका जो ब्लॉग है उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। क्योंकि प्लेन यहाँ पे एकदम सिंपल हिसाब से आपका जो ब्लॉगर है वहाँ पे पूरा फ्री में आपको सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करने वाले हैं कि वर्डप्रेस यूज़ करने चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसा डालना होगा। इवन फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे आपको मंथली या ईयरली आपको यहाँ पे पैसा डालना होगा, और उसके साथ साथ आप अगर एसईओ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पैसा डालना होते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे इजी एंड सिंपलिसिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ब्लॉगिंग के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, कैसे यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है, कैसे इसका एसईओ करना है, कैसे इसमें मेटा डेटा सेट करना है, तो इसके बारे में अगर आपका ज़्यादा पता नहीं है, इवन आपको कोडिंग के बारे में भी कोई भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे जो इजीएस्ट जो मेथड है वो है फ्रेंड्स ब्लॉगर। ब्लॉगर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर कोई भी 12 इयर्स का अगर कोई भी लड़का को क्या 10 इयर्स का कोई भी लड़का लड़की को आप इसको सिखा देते हैं कि इसको एक बार दिखा देते हैं, तो उसके बाद वो भी यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए ज़्यादा कोडिंग के मतलब जरूरत नहीं होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप वर्डप्रेस में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। इवन फ्रेंड्स, आपको आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे आपका इवन आपका जो पोस्ट है आप पोस्ट डालने वाले हैं क्या, आप कोई भी अगर यहाँ पे फीचर्स डालने वाले हैं तो वो फीचर्स आपका मतलब उसका प्लगइन्स होते हैं कुछ वर्डप्रेस का, तो उस प्लगइन का नाम क्या है, उस प्लगइन को कैसे यूज किया जाते हैं, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको रहना जरूरी है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीएमएस बेस्ड वेबसाइट है, इसका जो एडमिन पैनल है वो भी बहुत ही अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो कोडिंग नॉलेज के बाद यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे जानकारी टेक्निकल जानकारी जो होते हैं वो आपका रहना जरूरी है, क्योंकि कहाँ पे आपको क्या प्लगइन यूज करना है, एसईओ के लिए क्या प्लगइन यूज करना है, आपका पेज को अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि आपका वेबसाइट को अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्लगइन आपको यूज करना है, और कहाँ पे फ्री में मिलेगा, क्या कहाँ पे पेड मिलेगा, इवन आपका जो थीम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे तरह इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी का जरूरत होती है। इवन सबसे जो मेन जो चीज़ है वो है फ्रेंड्स, उसके बाद जिसके बारे में बात करता हूँ वो है फ्रेंड्स थीम के बारे में। देखिए, अगर आप जो ब्लॉगर है ब्लॉगर का थीम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे थीम एकदम टोटली फ्री है, और वर्डप्रेस भी बहुत सारा फ्री थीम आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो ब्लॉगर का जो थीम है वहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप अगर आप चाहते भी हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे CSS यूज़ करके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन आपको दिया है, लेआउट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे ही आपको बाउंड रहना है, वहाँ पे ही आपको काम करना है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे आप आपका खुद का हिसाब से आप यहाँ पे प्लगइन को डेवलप कर सकते हैं, मतलब उसका जो थीम है, सॉरी मैं प्लगइन बोल दिया, तो उसका थीम को आप डेवलप कर सकते हैं। इवन आप कस्टमाइज जो थीम होते हैं आपका खुद का बनाया हुआ, अगर आप कोई भी डेवलपर हायर करते हैं, क्या आपका खुद का अगर आपको PHP का नॉलेज होते हैं, वर्डप्रेस जो थीम होते हैं उसको डेवलप करने का नॉलेज होते हैं, तो वो आप खुद बना के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एक फुल एकदम मतलब पावर आपके पास रहते हैं यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, जो प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके आप आपका जो ब्लॉग है उसको अगर वेबसाइट या ब्लॉग दोनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे अगर कोई भी स्टोर वगैरह मतलब जो स्टोर होते हैं, जो शॉपिंग स्टोर होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, वो अगर खोलना चाहते हैं तो वो भी आपका वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस में आपको बहुत सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
और फ्रेंड्स उसके बाद और एक जो चीज के बारे में बात करूंगा वो है फ्रेंड्स एसईओ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो एसईओ है उसको आपको खुद को ही करना होते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्लगइन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको मतलब खुद को ही यहाँ पे जो robot.txt जो फाइल होते हैं वो आपको यहाँ पे पुट करना होते हैं, क्या सब कुछ आपको यहाँ पे करना होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप वर्डप्रेस में करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, वहाँ पे प्री डेवलप जो प्लगइन होते हैं वो बहुत सारा फ्री में आपको मिल जाते हैं कि आप कोई भी प्लगइन आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं और उसको आपका वेबसाइट पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉगर से आपको वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे और एक जो चीज के बारे में बात करूंगा जो है फ्रेंड्स सिक्योरिटी के बारे में। देखिए अगर आपका जो ब्लॉगर है वहां पे अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी जो देखते हैं वो गूगल देखते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लॉग का जो स्पेस होते हैं जो होस्टिंग स्पेस होते हैं वो आपका प्रोवाइड करते हैं गूगल। तो यहाँ पे आपको टोटली फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बेझिझक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे हैकिंग होने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वहां पे ये जो सिक्योरिटी लेवल है वो आप कहाँ से होस्टिंग खरीद रहे हैं, कहाँ से प्लान आप होस्टिंग या डोमेन आप खरीद रहे हैं परचेस कर रहे हैं, वहाँ पे SSL सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या सिक्योरिटी के लिए आप क्या प्लान वहाँ पे वहाँ से खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है जो कंपनी है जो कंपनी आपको होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे स्पेस के बारे में। अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब एक इमेज फाइल अपलोड करने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, क्या कोई भी वीडियो फाइल अपलोड करने के लिए 1 GB तक यहाँ पे स्पेस देते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं, क्या गूगल प्लस अगर यूज करते हैं, गूगल प्लस अभी भी नहीं है तो गूगल ड्राइव अगर यूज करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे 15 GB तक यहाँ पे एक्सपेंड किया जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वर्डप्रेस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका प्लान का हिसाब से यहाँ पे स्पेस डिपेंड करते हैं। मतलब आप अगर सोचिए कि आप जो होस्टिंग जो स्पेस ले रहे हैं आपका जो प्लान है वहाँ पे अगर बेसिक प्लान ले रहे हैं वहाँ पे आप 10 GB तक यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, क्या 1 GB आप प्लान ले सकते हैं। आप जो प्लान ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो होस्टिंग स्पेस है वो यहाँ पे सेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10 GB का होस्टिंग स्पेस आप कोई भी प्लान ले रहे हैं तो आपका 10 GB तक आपका होस्टिंग जो स्पेस है वो रहेगा, और उसके बाद उसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कोई भी प्रीमियम प्लान ले रहे हैं जैसे कि अनलिमिटेड प्लान हो गया, तो अनलिमिटेड स्पेस का अगर होस्टिंग स्पेस आप ले रहे हैं कोई भी अनलिमिटेड प्लान ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो स्पेस होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्लान का हिसाब से आपका यहाँ पे होस्टिंग स्पेस डिपेंड करते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करता हूँ कि अगर आप ब्लॉगर पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगर बाद में चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है आपका जो ब्लॉग है उसको आप कोई भी दूसरा आप होस्टिंग पे क्या कोई भी दूसरा जगह पे आप मूव करना चाहते हैं तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो वर्डप्रेस है उसको अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे होस्टिंग स्पेस आपका खुद का ही होते हैं, डोमेन आपका ही होते हैं, तो अगर आप आपका जो ब्लॉग है उसको अगर आप कोई भी दूसरा डोमेन पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको दूसरा एक डोमेन खरीदना है और आपका जो ब्लॉग है उसका नेम स्पेस को आपको चेंज करना है न्यू डोमेन के साथ। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे पामालिंक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स पामालिंक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका ब्लॉग को क्या आपका आर्टिकल को आप रैंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पामालिंक बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स गूगल पे जाके अगर कोई भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे गूगल क्या करते हैं वो यहाँ पे जो जितना सारा पामालिंक है मतलब आपका आर्टिकल का जो पामालिंक यहाँ पे बन रहे हैं आपका पेज का, तो उस पामालिंक के हिसाब से यहाँ पे गूगल मैच करते हैं, कीवर्ड अगर मैच कर जाते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे गूगल का सर्च पेज पे यहाँ पे लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपका जो पामालिंक है वो पामालिंक क्या होते हैं, यहाँ पे आपका जो URL होते हैं आप देखेंगे कि आपका जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल का हिसाब से ही वहाँ पे पामालिंक शो करते हैं, और आपका जो वेबसाइट है क्या डोमेन है उसका बाद यहाँ पे स्लैश देते हैं उसके बाद वो पामालिंक शो करते हैं। और ब्लॉगर पे कुछ अलग होते हैं, ब्लॉगर पे क्या होते हैं आपका पहले आपका जो आपने जो नाम डाला है डोमेन का मतलब आपका जो ब्लॉग का उसका नाम शो करते हैं, blogspot.com शो करते हैं, उसके बाद स्लैश देते हैं, उसके बाद आपका ईयर या उसके बाद डेट वहाँ पे शो करते हैं, और उसके बाद आपका जो पामालिंक है मतलब आपका आर्टिकल का जो टाइटल है वो वहाँ पे हाइफेन डाल के वहाँ पे शो करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वर्डप्रेस पे यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो डोमेन है
वो पहले शो करते हैं, उसके बाद स्लैश डाल के उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉगर पे क्या होते हैं, ब्लॉगर पे अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप डेट को चेंज करते हैं तो आपका पामलिंग पूरा चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके हिसाब से आपका जो जो आर्टिकल है उसका जो रैंकिंग है वो रैंकिंग डाउन होने का चांसेस है, लेकिन वर्डप्रेस पे ये नहीं होते हैं। यहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं तो यहाँ पे आपका रैंकिंग डाउन होने का चांसेस नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप एक डेवलपर है, क्या आपको PHP या MySQL के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्या HTML CSS के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, jQuery के बारे में अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो ये जितना सारा मैं बताया वो सभी लैंग्वेज है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप यहाँ पे ब्लॉगर पे मत कम कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर पे काम करने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PHP MySQL जो होते हैं वो MySQL एक डेटाबेस होते हैं और PHP एक लैंग्वेज होते हैं जिसके ऊपर बेस करके यहाँ पे सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको ब्लॉगर पे कोई भी सपोर्टेड नहीं होते हैं, मतलब PHP को सपोर्ट नहीं करते हैं, MySQL को सपोर्ट नहीं करते हैं ब्लॉगर। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस पूरा PHP MySQL के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप एक डेवलपर है, क्या आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज है, तो आप प्लीज वर्डप्रेस पे स्टार्ट कीजिए, इसमें आपका कस्टमाइज करने का बहुत ही सुविधा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट जिसके बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स, फैब आइकॉन। देखिए फ्रेंड्स, आप देखे होंगे जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का जो ऊपर में जो ब्राउजर का जो टैब आते हैं तो उस टैब पे उस वेबसाइट का जो ब्रांडेड जो लोगो होते हैं वो शो करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो वहां पे आपका जो फैब आइकन का जो साइज है वो सिर्फ आपका यहाँ पे 16x16 ऐसा रेशियो यहाँ पे आपको सेट करना होते हैं। तो इसके लिए आपका जो फैब आइकन अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी बड़ा हो जाते हैं तो उसको आपको रिसाइज करके छोटा करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वहां पे आपको छोटा करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इवन फैब आइकन सेट करने का बहुत सारा आपको प्लगइन्स फ्री में मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से उसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे प्लगइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एट द एंड में यही कहना चाहता हूँ कि मेरा हिसाब से अगर आप पहले बार स्टार्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे फ्री में यूज करना बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे आप ब्लॉगर चूज कीजिए, और ब्लॉगर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका लिमिटेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जब भी आपका ब्लॉग थोड़ा बहुत पॉपुलर हो जाएगा तो उसके बाद आप वर्डप्रेस पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही टाइम पे वर्डप्रेस पे क्या होते हैं, डोमेन खरीदना होते हैं, स्पेस खरीदना होते हैं, पहले टाइम पे वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ खरीद लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले टाइम पे आपको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वेबसाइट पे पार्ट डे कितना विजिट हो रहे हैं, 100 क्या 500 क्या 1000 पार्ट डे विजिट हो रहे हैं। आपका ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपका विजिट हो रहे हैं पार्ट डे, तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक जाम होने का कोई भी चांस नहीं है, आपका वेबसाइट क्रैश होने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे पहले जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्या आप शिफ्ट कर रहे हैं ब्लॉगर से आप वर्डप्रेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ आप यहाँ पे पहले आप लिमिटेड जो GB होते हैं, जैसे कि 1 GB हो गया, क्या 2 GB हो गया, क्या आपका 10 GB हो गया, तो इसका जो प्लान है वो प्लान आप पहले लीजिए, और उसके बाद पहले आप आपका जो होस्टिंग स्पेस और डोमेन खरीदिए, और उसके बाद वहाँ पे अपलोड कीजिए, वहाँ पे पोस्ट डालिए, और उसके बाद फिर से वो जब भी रैंकिंग होना चालू हो जाएगा, इंडेक्सिंग हो जाएगा गूगल के थ्रू आपका, तो उसके बाद आप यहाँ पे आप उसका जो आपका जो प्लान है उसको आप बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही है ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बारे में। तो यही छोटा सा टिप्स को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।